आहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिन का उत्तराखंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। इस दौरे में जहां वो अपनी गांव पहुंचेंगे तो वहीं कॉलेज में मूर्ति अनावरण के साथ परिसंपत्तियों पर भी बात हो सकती है। यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी अपने गाँव भी पहुंचेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। सालों के बाद अपने पैतृक गांव जाएंगे। आपको बता दें कि कई अहम चीजों पे बात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। इस दौरे में वो अपने गांव पहुंचेंगे और वहीं कॉलेज में मूर्ति अनावरण के साथ परिसंपत्तियों पर भी बात हो सकती है। और यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। और इस खबर पर हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से संबंधित क्या कुछ जानकारी है? लेने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने पैतृक आवास जा रहे हैं। आपको बताएं कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में तो वो उत्तराखंड चुनाव प्रचार के लिए कुछ विधानसभा गए थे, मगर वो अपने परिवार के कुछ लोगों से मिले थे। वहां उन्होंने वादा किया था कि मैं अपने माँ से मिलने अपने गांव जरूर आऊंगा। वही आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे को लेकर उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां आपको बताएं कि यम कवेश्वर गुरु अवैधनाथ महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ महायोगी अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि कल सूबे के मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव जाने की उनके कार्यक्रम है। अब वो आपको बताएं कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो अपने पैतृक गांव को आज घूमने जा रहे हैं उसको भव्य बनाने के लिए हर एक तैयारी कर दी गई है। साथ ही साथ गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जी। कि आपको बताएं कि जब उनके पिता कोविड काल के दौरान स्वर्गवास हुआ था तो तब भी उनकी आलोचना की गई थी कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए, जिसके बाद आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब आया था कि मैं एक योगी हूं और जग मेरा परिवार है, परिवार मेरे लिए पूरे विश्व ही, मैं पूरा विदेश और पूरा विश्व, पूरा जग ही मेरा परिवार है। वही आपको बता दें कि अपनी माँ से मिलने के बाद उन्होंने वादे के मुताबिक वो अपनी माँ से मिलेंगे और आपको बताएं कि 5 मई को वो हरिद्वार जाएंगे। और वही आपको बताएं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभाजन के समय ऐसे कई सारे संपत्तियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें आपको बताएं कि अलकनंदा गेस्ट हाउस उत्तराखंड को चला गया था। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के एक गेस्ट हाउस का शुभारंभ हरिद्वार में योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के आखिरी दिन करेंगे, यानी कि 6 तारीख को करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं तो वहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी के द्वारा क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, उनके पूरे कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ धन सिंह रावत एवं तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो कि उनका पैतृक निवास उत्तराखंड में है और पौड़ी गढ़वाल से वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो पौड़ी गढ़वाल के लोग हैं उनकी जो है सीएम को देखने के लिए, यूपी के सीएम उनके क्षेत्र का आज एक व्यक्ति जो कि जोगी बन के आज उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहा है, उसको देखने के लिए सब लोग पलके झुकाए बैठे हैं योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो वहां के तमाम मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता हैं, उनकी भी आशा आकांक्षा थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे करें। उसमें वो विभिन्न जगह जाएंगे, साथ ही साथ महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे, वहां मूर्ति का शुभारंभ करेंगे, साथ ही वो अपने गांव जाएंगे और हरिद्वार जाएंगे। साथ ही साथ उनके उत्तराखंड के अनेकों जगहों पर भी बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर भी जाके 3 दिनों में योगी आदित्यनाथ घूमेंगे और साथ ही साथ वहां के नेताओं से मिलेंगे और विकास कार्य की जो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है उसको एक साथ मिलकर विकास की राह पे कैसे चले इसके लिए भी बात की जाएगी। जी जी बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया विभांशु। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो सालों बाद अपने पैतृक गांव जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद ये पहला दौरा है। आपको बता दें कि काफी समय से सीएम अपने पैतृक गांव नहीं गए थे और काफी लंबे समय बाद जा रहे हैं, तो खासा तैयारी की गई है। जिस तरह से दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं और जो कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के, उनमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। रुक करते अगली खबर की तरफ। आज देश भर में पूरे प्रेम और हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, तो वहीं देश के अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और अपनों के लिए ऊपर वाले से अमन चैन की दुआ मांगी। आपको बता दें कि पूरे एक महीने के कठिन रोजे के बाद ईद का त्योहार आता है। इस दिन लोगों के घरों में सेवई बनती है, इसलिए इस पर्व को मीठी ईद भी कहा जाता है। तो मस्जिदों में अलग अलग समय नमाज हुई। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं ताकि अमन चैन शांति के साथ ही इस ईद के पर्व को मनाया जा सके, कोई भी घटना घटित ना हो सके और इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही देश में अशांति का माहौल देखने को मिल रहा था, कुछ अराजक तत्व देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज देश ही नहीं विदेशों में भी ईद की धूम है, आज ही के दिन ईद मनाई जा रही है। लेकिन अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम है, वो चाहे फायर ब्रिगेड हो या फिर जो है वाटर कैनन हो, सुरक्षा बल हो, सुरक्षा बल की टुकड़ियां तैनात करी गई हैं। और जिस तरह से कोविड का प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि एक ही समय पर ईद की नमाज ना पढ़ी जाए, एक एक करके कम संख्या में लोग ईद की नमाज अदा कर सके। तो ईद की नमाज को लेके भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोरोना का प्रसार ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से, सुरक्षित तरीके से लोग अपनी ईद मना सके। तो इससे पहले सभी धर्म गुरुओं के बात करके इन सभी चीजों पे बात भी कर ली गई सरकार द्वारा और पूरी तैयारियां की गई हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है लखनऊ में? प्रकोप के बाद अब देखा जाए तो देश में दो साल बाद लोग गले मिलकर और हाथ मिलाकर ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। वही शिखा आपको बताए कि ईद के आज जो रोजेदार थे उन्होंने अपने नवाज के दौरान देश के में अमन चैन और देश की उन्नति और जो देश में कोरोना की काली छाया का प्रकोप है उससे निजात दिलाने को लेकर दुआ किया गया। वही आपको बताए कि आज देश भर में नवाज की गई। वही अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आज सुबह सबसे पहले टीले वाली मस्जिद पे नवाज पढ़ी गई जो कि चौक स्थित है। वहां तमाम रोजेदार आज जो रोजे का अंतिम दिन था उसके बाद वो जो सुबह के समय वहां जाकर नवाज पढ़े और देश की उन्नति के लिए दुआ किए। वहीं आपको बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो प्रशांत किशोर का बयान आया था कि जो प्रमुख स्थल हैं जहां ईदगाह है या मदरसे हैं या मस्जिद है उन सब जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था किए जाए। वही नगर निगम को अल्टीमेटम दिया गया था कि आप इन सब जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का स्वच्छता का कार्यक्रम रखे, सफाई रखे, साथ ही साथ विद्युत विभाग को भी निर्देश दिए गए थे कि बिजली की कटौती ना करें। वही आपको बताएं कि आज अगर देखें तो आज तीन त्योहार हैं, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और साथ में ईद, तो इन दो धर्मों के त्योहार को एक साथ पढ़ने को लेकर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर है उनकी तरफ से हर एक जगहों पे आज जो कानून को सही करने के लिए हर एक चौराहों पे पुलिस के
बल तैनात किया गया। साथ ही साथ मस्जिद और ईदगाह स्थल पे जो 31,000 ऐसे चिन्हित जगह हैं वहां पे 45 आपको बताया कि सीआरपीएफ के जवान लगाए गए, 45 कंपनी सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, वहीं 46 आपके पीएसी के लगाए गए हैं और 7 पैरा मिलिट्री के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। वही साथ ही साथ सोशल मीडिया टीम को भी, जो उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया टीम है जो पुलिस की है, उसको भी अलर्ट रखा गया है कि कोई भी ऐसा सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का ऐसा पोस्ट करे तो उनके पे विधिवत कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से सभी जी विभांशु की बात करें कोरोना की, तो कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे, तो इसको लेके क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी बेशक, आपने देखा कि कल लखनऊ में स्कूल के अंदर में 26 कोविड पॉजिटिव आए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था कि हर जो दो मास्क लगाने की प्रक्रिया है, साथ ही साथ 2 गज दूरी बनाने की प्रक्रिया है, उसको सख्ती से पालन कराया जाए, कोविड गाइडलाइन को देखते हुए त्यौहार मनाया जाए। तो कहीं ना कहीं देखे तो लोग इसको पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ आज के त्योहार को बड़े अमन चैन के साथ मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, वो चाहे ड्रोन से नजर रखना हो या फिर सुरक्षा टुकड़ियों की तैनाती हो हर मस्जिद में, साथ ही साथ बाकी जितनी भी ईदगाह है वहां पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कोरोना को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अगर बात करें सौहार्द बनाए रखने की, तो उसकी भी पूरी तैयारी देखने को मिल रही है, जहां आज 2 त्योहार देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है और शांतिपूर्ण तरीके से आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, साथ ही साथ परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। तो आज देश में ईद का त्यौहार बड़े ही प्रेम हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। सभी आज दुआ में मांग रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त खुशहाली बनी है वही बनी रहे, कोरोना का खतरा सभी के सिर से चला जाए, शांति स्वास्थ्य इन्हीं सब चीज़ों की कामना कर रहे हैं। कोविड की वजह से 2 साल ईद का त्यौहार बड़े ही फीके तरीके से मनाया गया, लेकिन इस बार पूरे भाईचारे के साथ गले मिलते हुए लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हुए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गोरखपुर की बात करें तो वहां पे कैसा नजारा देखने को मिल रहा है ईद के दिन? 2 साल से पैंडेमिक स्थिति थी, इसमें नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ नहीं लग सकती थी, नमाज इनका अदा सभी जगह होती थी, लेकिन इस बार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है ईद मनाई जा रही है। और पूरी तरह से आप बात करें जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद में गोरखपुर के भारी संख्या में लोग आए हुए थे, नमाज अदा किया उन्होंने। उनके बाद इसके साथ साथ आपको बता दें ईदगाह भी पूरी तरह से खड़े हुए थे, सचाखच लोग आए हुए थे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौबंद व्यवस्था की वजह और सादे वर्दी से लेकर के एलआईयू तक की टीम को लगाया गया था, दोनों से लेकर के कैमरे से हर तरीके से निगाह रखी जा रही थी, किसी तरह की कोई भी अराजक तत्व, किसी तरह की कोई भी सनसनी खेज वारदात ना फैला सके। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से आज परशुराम जयंती भी है और ईद भी है, तो दोनों ही तरफ शांति बनी रहे, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो इसको लेके क्या कुछ खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिल्कुल, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो गया है, पूरी तरह से जितने भी रोड है उनको डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडर सिस्टम लगा दिया गया है, पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, शादी में पुलिस वालों को रखा गया है, चाहे वो महिला पुलिस कर्मी हो या पुलिस पुरुष हो, उन सब की जो है ड्यूटी लगाई गई है शादी में और वर्दी में भी है, साथ में पीएससी और पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाया गया है, क्योंकि दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, एक साथ तृतीया और ईद, तो ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन जो है कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि नहीं चाहता है कि कहीं भी दिखे, और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जो है व्यवस्था किया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। तो गोरखपुर में भी आज शांतिप्रिय तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, 1 महीने के रोजे के बाद ये ईद का पर्व मनाया जाता है और शांति अमन साथ ही देश की सुरक्षा के लिए आज दुआ मांगी जा रही है।
लोग गले मिल रहे हैं, लोगों को बधाई दे रहे हैं ईद की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ईद की नमाज अदा करते हुए सब दिखाई दे रहे हैं। ईदगाहों पर, मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। कोरोना को देखते हुए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आज देश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश में चारों तरफ ईद की धूम देखने को मिल रही है। आज के दिन लोग सेवैयां बनाते हैं, मीठा खिला के प्रेम बढ़ाते हैं और लोगों के घर भी जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मिलते हैं ईदी। तो इस बीच जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, इन सभी का ध्यान रखा जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं कानपुर से। उपेंद्र, कानपुर में अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो मस्जिदों में, ईदगाहों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? आप द्वारा सिखा बुलाने से जो आज जो है जो रमजान का जो रोजा होता है उसके 30 दिन बाद जो है ये ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और ये कानपुर में पहले जो है कुछ साल पहले जो है यहाँ पे त्यौहार जो है विवाहित तरीकों से मनाया जाता, मतलब जो देखा जाए कहने को कहा जाए तो आराधक तो जो है वो ऐसे मतलब समाज फैलाते थे। पर आज जो है जो योगी सरकार बनने के बाद जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज शांतिपूर्ण तरीके से जो है ईद का त्यौहार मनाया गया है। सबने जो नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने वाले हर मस्जिद के बाहर जो है वो ITBP के 42 जवान जो है तैनात किए गए थे। और कल रात से कानपुर में जो है हर चौराहों पर जो है पुलिस की व्यवस्था कर दी गई थी, सख्त कर दी गई। जी उपेंद्र, जो धर्म गुरु हैं उनसे भी बैठक की गई, बैठक के बाद ही कई निर्णय लिए गए हैं क्योंकि अभी लाउड स्पीकर भी उतारे गए हैं मंदिर मस्जिद सभी जगह से, शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की कोई उपद्रवी घटना को अंजाम ना दे सके लोग, तो इन सब चीजों पे नजर रखने के लिए भी काम किया गया है। धर्म गुरुओं से बात करी गई है, किन किन चीजों पे सहमति बनी है? जी धर्म गुरु कहना साफ कहना है कि जो आज जो समाज जो चल रहा है वो जो सरकार जो कर रही है, अभी जो लाउड स्पीकर संबंधित जो बातें हुई थी जो लाउड स्पीकर तारे जा रहे थे उस पर भी जो धर्मगुरु साफ कहना है कि जो सरकार कर रही है वो सरकार कुछ सही कर रही है, कर रही जो वायु प्रदूषण होता था उस पर रोक लगाई गई है, ये उससे वो जो है सरकार के जो फैसले से बहुत काफी खुश नजर आए हैं। और आगे जो है आज जो नमाज जो पढ़ी गई है उसमें केवल एक चीज की कमियां ज्यादा पाई गई है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग। देखा है तो कोविड के पेशेंट जो कानपुर में वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और वो जो यहाँ गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का थोड़ा यहाँ पे जो है देखा है तो धज्जियां उड़ाई गई हैं पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़े थे। तो धर्मगुरुओं से बात करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहमति भी जताई गई है धर्मगुरुओं द्वारा। अभी कुछ समय पहले ही लाउडस्पीकर हटाने की अनुमति दी गई थी और लगातार लाउडस्पीकर हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से लाउडस्पीकर भी हटाए गए और अब ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। कुछ धर्मगुरुओं द्वारा ये भी कहा गया कि इतिहास में पहली बार जिस तरह से अलविदा की नमाज अदा की गई बिना लाउड स्पीकर के, बिना लाउड स्पीकर के अजान के, तो ये पहली बार हुआ है। लेकिन अगर इससे किसी को खुशी मिलती है, किसी को परेशानी नहीं होती है, तो उसके लिए वो राजी है, ये बात भी धर्मगुरुओं द्वारा कही गई। तो लोगों में प्रेम सौहार्द का माहौल देखने को मिल रहा है और यही प्रेम बना रहे इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं। अगर बात करें बिजली कटौती की तो उसके लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं कि त्यौहार के समय बिजली कटौती बिल्कुल ना हो और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। सबका त्यौहार अच्छे से, खुशी से, शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए हैं और उनका पालन भी कराया जा रहा है। वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, बिजली हो या फिर कोरोना संबंधित गाइडलाइंस हो, सभी का पालन करवाया भी जा रहा है। और साथ ही अगर बात करें रूट की, तो जहां जहां भी आज ईदगाहों पे नमाज अदा करी गई या करी जा रही है, करी जाएगी, उन सभी के लिए समय के अनुसार रूट भी डाइवर्ट करे जाएंगे ताकि नमाज अदा करते समय किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो या फिर किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह से मैनेज करवाया गया है, किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करें लोग, शांति और खुशी के साथ त्यौहार मनाया जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा की बात करी जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, हर तरफ पुलिस तैनात की गई है, BSF की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं
और इसके साथ ही लोगों को ये आदेश भी दिया गया, हिदायत दी गई है कि अगर कहीं पे कुछ आपत्तिजनक चीजें या फिर कुछ घटना होती है उसकी सीधी जानकारी पुलिस को दी जाए ताकि पुलिस वहां पे पहुंच के स्थिति को काबू कर सके। और आज देश में एक नहीं दो त्योहार मनाए जा रहे हैं। परशुराम जयंती भी है जो कि लोगों की आस्था का केंद्र है, उसे भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है और ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है और शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अपने अपने जिलों में अधिकारी पूरी कमान संभाले हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मना रहे हैं सभी। मस्जिदों की बात करी जाए तो मस्जिदों में भी धर्म गुरुओं द्वारा हिदायत दी गई है कि जो सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उनका पालन कराया जाए, पालन किया जाए और धर्म गुरुओं ने भी सरकार के निर्देशों को मानने की सहमति जताई है। कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भी नमाज के लिए भी समय और लोगों की उपस्थिति को लेकर भी बात कही गई कि एक थोड़ा अलग अलग समय पे सब नमाज अदा करेंगे, जिसको लेकर भी सहमति बनी है। लाउड स्पीकर भी उतरवाए गए, उस पर भी सहमति। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से नियंत्रण में किया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, अगर फरुखाबाद की बात करी जाए तो वहां पे किस तरह से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जो ईद की नमाज अदा करी गई उस दौरान क्या कुछ नजारा देखने को मिला? कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह फरुखाबाद की जो सबसे बड़ी ईदगाह है थाना मोदरवाज क्षेत्र में, वहां पर अलविदा की नमाज अदा करी गई है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जिले के जो आला अधिकारी वो भी मौजूद रहे, जिले के पुलिस अधीक्षक व डीएम भी मौके पर मौजूद रहे। भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी में ईदगाह में नमाज अदा की, लगभग कम से कम 20,000 से अधिक लोगों ने एक साथ वहां पर नमाज अदा की है। साथ ही जो वहां पर जो शहर इमाम है उन्होंने आम जनता को आपसी सौहार्द के साथ नमाज अदा करने के बाद आम जनता को आपसी सौहार्द के साथ वहां पर ईद मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में अमन चैन रहे, इसकी भी उन्होंने वहां पर दुआ की है। वहीं आपको बता दें कि डीएम संजय कुमार सिंह ने भी समस्त जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकार के सभी जो नियम है उनका पालन करते हुए आप ईद मनाएं, किसी प्रकार के भ्रामक खबरों से बचें और अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई भी मदद चाहिए तो तुरंत ही प्रशासन को संपर्क करें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फरुखाबाद जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सौहार्द के साथ अमन चैन के साथ ईद मनाई जा रही है। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। तो सीधे तौर पे हर जिलों के डीएम ने भी कमान संभाल रखी है, कई ईदगाहों पे मौजूद भी रहे आला अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने भी पहुंचे और आज ही नहीं कई दिनों से इसकी तैयारी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप सभी को ईद और परशुराम जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।